कलेक्शन के बारे में जो कि मेरी बैंगल कलेक्शन है। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बैंगल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। सेलिब्रिटीज को भी आपने देखा होगा उन्हें वेयर किए हुए। सो गाइज, टाइटल देखे वैसे आपको पता तो चल ही गया होगा कि कौन सी बैंगल्स हैं। सो जो बैंगल्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है वो है मैट बैंगल्स। सो मैट का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लाइक इन मेकअप में भी मैट चलता है और अब बैंगल्स में भी। सो मैट इज जस्ट ऑसम। सो मैट बैंगल कलेक्शन जो है गाइज, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैट हर किसी पे सूट करता है और सारी कलेक्शन हम देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो। तो चल रही है तैयारी फेस्टिवल सीजन के लिए, तो आप मुझे बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात गाइज, आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है? तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। और गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी बैंगल कलेक्शन पसंद आती है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटा सा एक बेल बटन है उसे भी कर दीजिए हिट, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अपनी बैंगल कलेक्शन को देखते हैं। सो गाइज, एज यू ऑल कैन सी, मैंने एक लिया है मल्टी शेड में पूरा सेट, एक मैंने हाफ लिया है पिंक, ये मैंने सेट कॉम्बो बनवाया था ब्लू में, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। ये मैंने गोल्डन लिया है ताकि हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए, और एक ऑरेंज लिया है। उसके साथ साथ मैंने लिए हैं कुछ लाइट कलर्स भी, बिकॉज हर टाइम डार्क कलर्स तो नहीं चल सकते है ना, सो लाइट कलर्स भी बहुत पॉपअप करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिया है ये पीच शेड जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और उसके साथ मैंने दो ग्रीन शेड्स लिए हैं विच इज लाइट पिस्ता ग्रीन, एंड जो सेकंड वाला है वो है ऑलिव ग्रीन, और मैंने यहाँ लिया है ब्लैक एंड व्हाइट। ऑनेस्टली गाइज, मुझे ये ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ज्यादा पसंद आया है, ब्लैक इतना सूट कर रहा था और हर किसी को ये सूटेबल है ये कलर्स। सो हर किसी की चॉइसेस अलग अलग होती हैं, किसी को लाइट पसंद होता है तो किसी को डार्क, तो मैंने दोनों ही लिए हैं, दोनों बाय किए हैं ताकि दोनों को मैं चेंज कर करके वेयर करूंगी। सो गाइज, अब मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी कि ये कैसे लगते हैं और कैसे सूटेबल करता है ये। और मैंने पहना है एक व्हाइट आउटफिट जिसके साथ डार्क भी सूट करेगा और लाइट भी। आप उस हिसाब से अपना आउटफिट चूज कीजिएगा जिस हिसाब से आपने जौन से कलर के बैंगल्स वेयर करने हो। सो सबसे पहले है मेरा फेवरेट विच इज ब्लू कलर, एंड वैसे मेरे हर एक कलर फेवरेट है, मुझे सारे कलर्स पसंद है, बट इसकी तो ग्रेस ही अलग है, डार्क एंड लाइट विच इज लुकिंग स्टनिंग। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है, आई जस्ट लव्ड इट। एंड लेट मी नो गाइज, आपका कौन सा कलर फेवरेट है नीचे कमेंट सेक्शन में। सो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, आप चाहें इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, पहले ब्लू देन डार्क ब्लू, ब्लू देन डार्क। तो नेक्स्ट अब मैं वेयर करूंगी ये पिंक जो कि बहुत ब्यूटीफुल है यार, मुझे सच में, वैसे मैं बैंगल्स पहनती नहीं हूँ लेकिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ये, इनको देखने के बाद तो बस दिल करता है सारी पहन को। सो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, एक्चुअली ज्यादा ये कैप्चर कर नहीं रहा है, जितना ये लाइट शो कर रहा है इतना है नहीं, इससे थोड़ा सा डार्क है। सो नेक्स्ट आई एम वेयरिंग मल्टी कलर बैंगल्स, सो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स विच आर लाइट एंड डार्क, बोथ आर मिक्सड एंड लुकिंग स्टनिंग। सो बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। अगर आपने जैसे ये मैंने प्लेन आउटफिट पहना है व्हाइट ऑफ व्हाइट, आप ब्लैक के साथ वेयर करें, ब्लू के साथ करें, येलो के साथ करें, तो ये हर किसी के साथ पॉपअप करेगा बिकॉज इसमें सारे कलर्स हैं। सो इसमें भी मैंने मिक्स किए हैं लाइट एंड डार्क, एंड इसमें भी लाइट एंड डार्क।
गाइज नेक्स्ट अब मैंने ये किया है वेयर लाइट पिस्ता शेड एंड ग्रीन डार्क ग्रीन कलर विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. और इसको आप अगर आपके लाइट पिस्ता ग्रीन कलर को ब्लैक के साथ भी पेयर आउट करेंगे ना तो भी ये बहुत प्यारा लगेगा बिकॉज मैं इसे कर चुकी हूँ ट्राई, बहुत अच्छा लग रहा था. आप किसी के साथ भी इसे मिक्स अप कर सकते हो. सो नेक्स्ट माई फेवरेट वन इज दिस ब्लैक वन. बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है, बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल है, इतना सुंदर लग रहा है ना ये ब्लैक कलर. आई जस्ट लव इट. अगर आपने देखा हो कलर चैनल पे आता है सीरियल बेपनाह प्यार, उसमें ईशी दत्ता ने भी मैट बैंगल्स वेयर की हैं एंड सेम ब्लैक कलर की भी उन्होंने बहुत वेयर की हैं. सो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आप वहां देख सकते हो. सो जैसे कि मैंने कहा सेलिब्रिटीज में बहुत ही ज्यादा ये ट्रेंडी है, सो आपको भी ये ट्राई करना चाहिए. अगर आप बात करें इसके प्राइस की, सो गाइज ये जो पूरा सेट है आई बॉट इट फॉर ₹150. सो आप अपने अकॉर्डिंगली पर डजन के हिसाब से डजन आपको पड़ जाएगा 40-50 अराउंड. सो ये बहुत ब्यूटीफुल है, आई थिंक यू मस्ट गो फॉर इट. सो गाइज ये मैंने वियर किया है पीच शेड जो कि लाइट शेड है और अच्छा लग रहा है. सो मैंने इसे एक ही हाथ में डाल लिया है, आप चाहे तो दोनों में डाल सकते हैं. हमारे प्योर व्हाइट. सो गाइज नेक्स्ट लास्ट जो है वो है ऑरेंज शेड जो कि आपको थोड़ा सा भड़कीला लग सकता है बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी ऑरेंज है और मेरे बैंगल्स भी, बट बिल्कुल भी भड़कीला नहीं है, बहुत अच्छा शेड है. सो ये बेसिकली अगर ब्लैक आउटफिट आप वेयर कर रहे हैं उसके साथ बहुत ज्यादा जचेगा. तो गाइज मैं एक और बात बता दूं आप सबको, जो वो गोल्डन वाले मैंने आपको शो किए थे दैट इज नॉट प्योर मैट, सो उसको मैं शो नहीं करूंगी. वो मैंने सिर्फ इसलिए बाय किया था ताकि अगर मैं कॉम्बिनेशन करना चाहूं उसको ब्लैक के साथ या किसी के साथ भी तो वो बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने उसे बाय किया था. ये थी मेरी सारी की सारी बैंगल्स कलेक्शन, मैक बैंगल्स कलेक्शन. आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें से आपका फेवरेट कलर कौन सा है. नीचे कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का. तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.